खत्म हुआ इंतजार, आ गया है मंगलवार और हर मंगलवार को मैं आपके लिए लेकर आती हूँ एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो। ढूंढो तो जाने बचपन से ही मेरा फेवरेट गेम रहा है। चूहे के लिए रोटी तक का रास्ता बनाना तो कभी बिल्ली को दूध तक पहुँचाना। आजकल यही गेम मैं अपनी रसोई में भी खेलती हूँ। सीक्रेट स्टोरेज और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मेरा आज का वीडियो छोटी रसोई स्पेशली फ्लैट्स में रहने वालों के लिए तो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो आइए देखते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मेरी रसोई छोटी है, उसमें जगह नहीं है, हम प्रॉपर मैनेज नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। आपको जरूरत है एक अच्छी प्रॉपर प्लानिंग की, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो आज फिर से मैं लेकर आई हूँ कुछ नए और इनोवेटिव आइडियाज आपकी छोटी रसोई में बड़े स्पेस बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल सुन री सखी में। रसोई के कुछ राज जो रसोई में ही छिपे हैं, तो लीजिए आ गए हम रसोई घर में और ये है मेरा रसोई घर। और यहाँ देखिए ये है मेरे किचन की ट्रॉली। यहाँ दोनों साइड प्लेट्स रखने के लिए स्पेस बनी हुई है। पीछे की साइड बड़ी साइज की प्लेटें और आगे की साइड छोटी साइज की प्लेटें, पर आगे की ये स्पेस मेरे ज़्यादा कुछ काम नहीं आती है और जगह वेस्ट ही जाती है। और ये सबसे बड़े साइज की ट्रॉली है, पर प्लेट ऑर्गेनाइजर होने के कारण यहाँ पर मैं कुछ बड़ा सामान भी नहीं रख पाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने ट्रॉली निकलवा ली है और इस आगे की साइड के प्लेट स्टैंड को मैं कटवा लूँगी। एक्चुअली हमने जब ये घर खरीदा था तब ये मुझे ऐसे ही मिला था, पर सबके काम करने की स्टाइल अलग अलग होती है और मुझे बैकबोन की प्रॉब्लम भी है, तो बार बार नीचे झुककर प्लेट निकालना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं था। हमारा इलेक्ट्रीशियन कम ऑलराउंडर ज़्यादा विजेंद्र जब घर पर आया तो जस्ट मैंने उसे ऐसे ही पूछा, तो उसने बताया आंटी पूरी ट्रॉली चेंज करवाने से अच्छा है आप उसे आगे से कट करवा लीजिए, पूरी ट्रॉली चेंज करवाना आपको महंगा भी पड़ेगा। किचन की ये सबसे नीचे वाली शेल्फ गंदी भी बहुत हो गई थी, तो लगे हाथों मैंने यहाँ की सफाई भी कर दी। रोज कितनी भी सफाई करो पर धूला न जाने कहाँ से रह ही जाता है। किचन ट्रॉली को भी मैंने रगड़ कर साफ कर लिया, दिवाली आ रही है तो ये काम तो वैसे भी करना ही था। लगे हाथों विजेंद्र ने साइड पैनल पर ऑयलिंग भी कर दी। आप भी समय समय पर ऑयलिंग करते रहें, इससे ये स्मूथली काम करती है। और ये देखिए ये प्लेट शेल्फ निकल कर बाहर आ गई, सफाई भी हो गई और जगह भी काफ़ी अब मिल गई। तो चलिए इसे कर लेते हैं रीअरेंज। यहाँ पर मैंने अपने आटे का बड़ा सा डिब्बा रख दिया है और पास में तवा और बेलन चकला भी रख दिया है, सभी सामान एक ही जगह। अब मुझे बार बार झुकना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में सारा काम हो जाएगा। तो आप भी अगर किचन ट्रॉली आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो चेंज करवाने की जगह उसे कट करवा सकते हैं और स्पेस का पूरा यूटिलाइज आप कर सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि ये फ्रिज ट्रॉली आपने कहाँ से ली, ऑनलाइन परचेज की है क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले तो ये कस्टमाइज है, कारपेंटर को बुलाकर मैंने घर पर ही बनवाई है। इसके नीचे मैंने व्हील्स भी लगवाए हैं जिससे फ्रिज को मैं आसानी से मूव ऑन करके क्लीन कर सकूं। अगेन ट्रॉली बनवाकर एक सीक्रेट प्लेस मैंने यूज़ किया है, इसका वीडियो मैंने शेयर भी किया था, अधिक जानकारी के लिए आप वहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये मुझे कितने में पड़ी और ये मैंने क्यों बनवाई। इसके अलावा और भी छोटा छोटा फर्नीचर बनवाकर मैंने अपनी किचन में एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की थी। वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, अगर आपसे मिस हो गया है तो आप ज़रूर से देखिएगा। ट्रॉली के अंदर मैं क्या और कैसे अरेंज करने वाली हूँ ये आप मेरे अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया, लेजी सुजैन, जिसमें मैं अपने सारे आचार वगैरह रखती हूँ। इसे आप मेरा आचार स्टेशन भी कह सकते हैं। यहाँ देखिए ट्रॉली के कारण मेरी फ्रिज की हाइट बढ़ गई, तो बैकबोन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ही, दूसरा एक्स्ट्रा स्पेस भी मुझे मिल गया, पर फ्रिज के ऊपर के स्पेस को भी मुझे यूज़ करना है, तो इसके लिए लेजी सुजैन परफेक्ट है।
ऊंची हाइट के स्पेस को यूज करने के लिए आप भी लेजी सुजैन का यूज कीजिए। दाल बाटी चूरमा, हम भारत के सूरमा। दाल बाटी राजस्थान की पारंपरिक डिश है और मैं राजस्थानी हूँ तो वीकली मेरे घर में तो दाल बाटी बनती ही बनती है। पर ये बाटी कुकर अब मेरे कुछ काम नहीं आता, तो इसकी रिंग को मैं निकाल लूँगी। साइज इसकी काफ़ी अच्छी है। इस तरह की रिंग अगर आपके भी पास है तो उसे आप भी एज ए ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकती हैं। इसमें छोटी छोटी बहुत सारी ग्रिड बनी हुई है, तो इसमें आप सामान फंसा दीजिए। आप इसमें एस हुक और बाइंडर क्लिप की मदद से सामान टांग भी सकती हैं। मैंने सिर्फ ये एक आपको आइडिया दिया है कि ये वेस्ट चीज़ें भी कभी कभी हमारे बड़े काम कर देती है। मार्केट में ऐसे मैश ऑर्गेनाइज़र आपको बड़े महंगे मिलेंगे, इसे आप स्टडी रूम में भी यूज़ कर सकती हैं। मेरा हमेशा से फंडा रहा है कि जिस चीज़ की ज़रूरत जिसके साथ पड़ती है तो उसे उसके साथ ही रखा जाए। जैसे ये लीड हम अलग जगह रखते हैं और पैन अलग जगह, तो इस तरह क्लब करके आप दोनों को एक ही जगह पर एक साथ हैंग कर सकती हैं। जगह भी बचेगी और काम में भी सुविधा रहेगी। इसी तरह स्पेस बचाने के लिए आप अपने अप्पे पैन और डोसा तवा दोनों को एक साथ अरेंज करके रख सकती हैं। छोटी छोटी सी ये ट्रिक्स हमारी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हैं। मेरे सिंक के पास ही मेरा माइक्रोवेव है और माइक्रोवेव स्टैंड में इस तरीके के हुक्स लगे हुए हैं। एक मैग्नेटिक हुक को भी मैंने यहाँ पर माइक्रोवेव के साइड में ही चिपका दिया है। इस बास्केट पर कोई होल नहीं था तो मैंने होल करके एक लूप पहना दिया है जिससे मैं इसे टांग सकूँ। तो फ्रिक्वेंटली काम आने वाली सभी बास्केट्स को मैं यहाँ पर हैंग कर देती हूँ। तो आप भी मैग्नेटिक हुक और हुक्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए और स्पेस का पूरा यूटिलाइज कीजिए, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। अब हुक्स की बात चली रही है तो इस तरीके के हुक्स बहुत ही यूजफुल है क्योंकि हमें ड्रिलिंग नहीं करवानी पड़ती। छोटी छोटी चीजों को ये आसानी से होल्ड कर लेते हैं। चाय छलनी जो कभी कभी गीली रह जाती है तो उसे मैं स्पून स्टैंड में रखने की जगह यहाँ साइड में ही हैंग कर देती हूँ। इससे ये इजी टू अप्रोच भी रहती है और मेरा वुडन स्टैंड भी खराब नहीं होता है। तो आप भी ऐसी चीज़ें जो गीली रह जाती है उन्हें आप अलग से हैंग करिए, जैसे चाय छलनी है, कप है, कैंची। कैंची में भी जंग लग जाती है अगर वो गीली रह जाती है, तो उसे भी आप बाहर ही हैंग करिए न कि कंटेनर के अंदर, और हुक्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। इसी तरह किचन का ये पोचे का कपड़ा, उसे ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है। रसोई में इसे कहाँ टांगे अच्छा भी नहीं लगता है और इसकी ज़रूरत रसोई में ही पड़ती है, इसलिए इसे रसोई में रखना भी ज़रूरी है। तो इसे मैं किचन विंडो में टांग देती हूँ। यहाँ सूरज की रोशनी भी आती है और किसी को दिखता भी नहीं है। मेरा घर बहुत ऊपर है, हवा से ये कपड़ा नीचे ना गिर जाए इसके लिए मैं क्लोथ क्लिप का यूज़ करती हूँ। तो आप भी रसोई की खिड़की को सीक्रेटली यूज़ कीजिए और अगर हाइट पर है तो क्लोथ क्लिप जरूर से लगाइए। चलिए अब बना लेते हैं बॉक्स से ड्रॉवर। तो ये एक बॉक्स मैंने ले लिया है। किचन के नैपकिन्स वगैरह को मैं अच्छे से फोल्ड कर लूँगी। यहाँ एक बात अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहूँगी कि रसोई के लिए हमेशा डार्क कलर के नैपकिन्स का ही यूज़ कीजिए, क्योंकि सफ़ेद कपड़े बहुत जल्दी रसोई में गंदे हो जाते हैं और वो प्रॉपर क्लीन भी नहीं हो पाते। तो देखिए हमारा ये बॉक्स बनकर रेडी है। छोटे स्पेस के लिए ये परफेक्ट भी है। इसे एज ए ड्रॉअर की तरह आप पुल और पुश करके यूज़ कीजिए। बोनस टिप, पतली पतली जगह के लिए एक अच्छा ऑप्शन। हाथ पहुँचने के लिए एक बड़े से टॉवल होल्डर की जगह एक डोर हैंडल मैंने यहाँ साइड में ही लगा रखा है। जगह का पूरा यूज़ हम कर सकें इसके लिए मैंने ये एक ऑर्गेनाइज़र ख़रीदा है। ये एक एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट ही हमारे लिए बना देता है और इसकी अच्छी बात ये है इसे लगाना निकालना आसान है और इसे आप कहीं पर भी
किसी और जगह भी आप यूज़ कर सकती हैं। तो बस इसे मैंने यहाँ लगा दिया है और अब मैं इसे यूज़ करूँगी। आप भी ऐसे ऑर्गेनाइजर्स में इन्वेस्ट कीजिए और एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कीजिए। बेलन में ये हुक लगाकर मैं क्या करने वाली हूँ, इसे कहाँ रखने वाली हूँ, ये सीक्रेट रिवील होगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए सुन जी सकी बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरी वुमेन। थैंक यू। अगले मंगलवार आपसे फिर से भेंट होगी। जय हिंद, जय भारत।